नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से टुडेज न्यूज पर। हम लेकर आए हैं आपके लिए राजस्थान की 20 बड़ी खबरें। मैं भी चौकीदार अभियान से नरेंद्र मोदी ने शुरू किया लोकसभा चुनाव प्रचार, 31 मार्च को होंगे सभी से रूबरू। हनुमान बेनीवाल का बड़ा ऐलान, इन पार्टियों के साथ मिलकर उतरेंगे राजस्थान की सभी 25 सीटों पर प्रत्याशी। बाप दादाओं की खेती की जमीन किसी बाहरी को नहीं बेची जा सकती, सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला। राजस्थान में गरीब परिवारों को बड़ी राहत, गहलोत सरकार आज से 1 रुपए प्रति किलो दे रही है गेहूं। वोट डालने से पहले मोदी के पुराने भाषण देख लेना, कांग्रेस को प्रचार करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कहा सीएम गहलोत ने। कांग्रेस ने जारी की तीसरी लिस्ट, 18 उम्मीदवार उतारे मैदान में। मोदी सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, जनता के दुख दर्द से कुछ लेना देना नहीं, कहना है गहलोत का। कर्नल सोनाराम घर वापसी कर ले, उनका सही मान सम्मान यही है, बोले हरीश चौधरी। महेश जोशी बोले, टिकट की लालसा नहीं, पार्टी दे तो दिक्कत की भी कोई बात नहीं। गहलोत सरकार सवर्णों को 10% आरक्षण नहीं देना चाहती, कहना है अरुण चतुर्वेदी का। डोटासरा के प्राइवेट स्कूलों को करे आदेश, पैसे नहीं होने पर बच्चे को परीक्षा देने से नहीं रोक सकते। इस बार फिर मोदी को जिता दिया तो भूल जाना वोट डालना क्या होता है, कहना है गहलोत का। घटना से पहले युवती की गिरफ्तारी पर फंसी पुलिस, हाईकोर्ट ने दिए सीबीआई जांच के आदेश। अलवर में अंतरराज्यीय क्रूड ऑयल चोरी करने वाली गैंग का खुलासा, 5 गिरफ्तार। जयपुर के जौहरी बाजार में हवाला कारोबार, 90 लाख की इंडियन करेंसी और 93 लाख की विदेशी मुद्रा बरामद। 2 करोड़ रुपए का गबन करने वाली मिसेज राजस्थान 2017 अन्नपूर्णा सेन गिरफ्तार। लोकसभा चुनाव से पहले झुंझुनू पुलिस के रडार पर अपराधी, 5 गिरफ्तार। राजस्थान में यहां रेड डालने जा रही पुलिस की गाड़ी पलटी और मच गया कोहराम, 6 घायल। राजस्थान में सक्रिय है तमिलनाडु की लुटेरी गैंग, कार से ऐसे उड़ाए 10 लाख रुपए। यूपीएससी ने 986 पदों पर निकाली भर्ती, आवेदन प्रक्रिया शुरू। राजस्थान के 20 बड़ी खबरें बस यहीं तक। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और हमारे ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू।